Hello and welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. 9th standard student, this is your lecture of Geography Chapter 3, Exogenetic Processes Part 1. Today we are going to complete this chapter. This chapter comprises of few topics. ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए, इसमें थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, 30-35 minutes का I guess, and then we are going to complete this chapter. Okay, so let us get started. Okay. Many landforms are formed due to the internal movements. Many processes occurring on Earth's surface also lead to formation or degradation of landforms continuously. In this lesson, we will be studying the exogenetic, that is external processes and landforms formed by them. The external pressure of the Earth, Earth के बाहर से जो भी pressure लग रहा है, climatic conditions का, water का, विंड का, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मैटर्स, ये सारी चीज़ें जब अर्थ के ऊपर सर्टन इफेक्ट क्रिएट करती हैं, क्रैक्स वगैरह जितने भी चेंजेस अर्थ के ऊपर आते हैं, इन सब चीज़ों के वजह से दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. द एक्सटर्नल चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑन अर्थ, एक्सोजेनेटिक मतलब एक्सटर्नल चेंजेस, एक्सोजेनेटिक मीन्स एक्सटर्नल, ठीक है. External processes occur because of forces working on the Earth's surface. They are mainly solar energy, gravitational force, kinetic energy associated with the moving objects on the Earth's surface. Energy can be of many types: solar energy, gravitational energy, kinetic energy. और ये सब energies की वजह से जो भी Earth के ऊपर changes आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. अभी ये जो pictures दिए हैं तुम लोगों को साइड में, उसको देखो. एक्सपोलिएशन ऑफ डोम शेप्ड हिल्स, फिर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद शैटरिंग ऑफ रॉक्स है, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन है. दीज आर दी सर्टेन टाइप्स ऑफ यू कैन से दैट एक्सटर्नल प्रोसेसेस टेकिंग ऑन दी अर्थ सर्फेस. सो दीज आर दी प्रोसेसेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे. हाउ आर दीज फोर्सेस अप्लाइड? ब्रेकिंग और वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज अ नेचुरल फिनोमिनन. रॉक टूटना नेचुरल चीज है, इट कैन ब्रेक, इट विल बी ब्रेकिंग इन एनी टाइम, ठीक है. कितना भी टाइम लग सकता है, ज्यादा भी टाइम लग सकता है, थोड़ा भी टाइम लग सकता है, बट वो टूटता जरूर है. इट इज कॉल्ड एज वेदरिंग. ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग. वेदरिंग कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. तीन टाइप की वेदरिंग होती है मेनली. पहला है वेदरिंग कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. तो उसमें पहला है मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है. मैकेनिकल वेदरिंग. सेकेंड इज केमिकल वेदरिंग एंड थर्ड इज सेकेंड इज केमिकल एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल. ओके, क्लियर. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे. इन एरिड क्लाइमेट्स मैकेनिकल वेदर इज डोमिनेंट. जहां पर एरिड क्लाइमेट होता है, कैसा क्लाइमेट? एरिड. एरिड मतलब क्या? ड्राई क्लाइमेट. एरिड मीन्स ड्राई क्लाइमेट. एरिड और ड्राई क्लाइमेट जहां पर होता है, वहां पर मैकेनिकल वेदरिंग ज्यादा होती है. इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स केमिकल वेदरिंग इज मोर इफेक्टिव. ये कहां पर होता है? ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर, जहां पर मॉइस्चर कंटेंट हवा में ज्यादा होता है, वहां पर केमिकल वेदरिंग होती है. जहां पर मॉइस्चर कंटेंट हवा में कम होता है या नहीं होता है, वहां पर मैकेनिकल वेदरिंग होती है. ओके, बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑकर्स बिकॉज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट ऑकर्स ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जैसे एनिमल्स या ह्यूमन एक्टिविटीज, या समझो कोई एक कीड़ा वगैरह दो पत्ता के बीच में रहना चालू कर दिया है, उसके फ्रिक्शन की वजह से, उसके चलने की वजह से, उसके मूवमेंट्स की वजह से धीरे धीरे वो रॉक टूट जाता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है. एक ऑनियन लो, ऑनियन को देखोगे तो तुम लोग बीच से कट करोगे तो यू विल ऑब्जर्व देयर आर सर्टेन लेयर्स ऑफ ऑनियन. तो ये जो लेयर्स ऑफ ऑनियन है, इसी के तरह मैकेनिकल वेदरिंग भी होती है. मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है, रॉक का ऊपर का पार्ट पहले टूटता है, फिर से अंदर का पार्ट, फिर ऐसा ऐसा करके रॉक छोटा छोटा होता जाता है, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मड. बहुत टाइम लगता है पर होता जरूर है. यू विल नोटिस दैट जस्ट एज वी कैन रिमूव ईच एंड एवरी आउटर लेयर ऑफ ऑनियन,
Similarly, in nature, rocks undergo such a process. जैसे onion का बाहर का layer खत्म होते जाता है, वैसे ही हम लोग rocks का भी बाहर का layer खत्म होते हुए देख सकते हैं. The exposed part of the rock heats more while the inner part is comparatively cooler. बाहर का पार्ट जो होता है वो रॉक का गर्म होता है हीट के वजह से, क्योंकि वो एक्सपोज है ना सन रेस पे, और अंदर का पार्ट थोड़ा सा कूल होता है. एज अ रिजल्ट आउटर लेयर ऑफ द रॉक फॉल्स अपार्ट फ्रॉम द मेन रॉक. इसके लिए बाहर का जो पार्ट होता है रॉक का वो एक्सपांड होके अंदर वाले पार्ट से अलग हो जाता है. समझ में आया? क्लियर? दिस इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन. मैकेनिकल वेदरिंग का पहला वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन में हम लोग ये पार्ट जो स्टडी किए हैं इसको अगर याद रखना है तो ये वर्ड याद रखो, ऑनियन. ऑनियन कैसा अलग होता है वैसे ही एक्सफोलिएशन में रॉक्स भी अलग हो जाते हैं. क्लियर? नाउ मैकेनिकल वेदरिंग मेनली ऑकर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. मैकेनिकल वेदरिंग की किन चीजों की वजह से होती है, अभी हम लोग रीजंस पढ़ेंगे मैकेनिकल वेदरिंग की. तो पहला है टेम्परेचर. द फर्स्ट रीजन इज टेम्परेचर. ओके, मैकेनिकल वेदरिंग का पहला जो रीजन है दैट पर्टिकुलरली इज टेम्परेचर. द मिनरल्स इन द रॉक्स एक्सपैंड बिकॉज ऑफ हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस. ड्यू टू सच अ कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन टेंशन डेवलप्स इन द रॉक पार्टिकल्स. ईच मिनरल रिएक्ट्स डिफरेंटली टू द हीट टेम्परेचर. सम मिनरल्स एक्सपैंड मोर व्हाइल अदर्स डू नॉट एक्सपैंड एज मच. कंसीक्वेंटली द टेंशन फॉर्मड इन द रॉक्स ऑल्सो इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस. As a result, cracks develop in the rocks and they break in the areas where the diurnal range of the temperature is higher. Weathering of this type of rock is common in the hot desert. हर रॉक में certain type of mineral होता है. जब heat होती है तो वो mineral expand होता है, और जब रात हो जाती है तो वो mineral contract होता है, हो जाता है, just because of the falling temperature. Every day it occurs. Expansion contraction, expansion, contraction, और different types of minerals जो होते हैं उनके different expansion and contraction capacities होती है. ठीक है, so what happens here is due to expansion and contraction the rock generates tension, और ये जब continuously होता रहता है तो एक certain time के बाद rock में crack आ जाता है या rock का outer layer वो निकल जाता है. ठीक है, समझ में आया? Clear? तो temperature plays a very important role over here. जहां पर जो पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर रेंज दिन का और रात का बहुत अलग होता है वहां पर ये पर्टिकुलर मैकेनिकल वेदरिंग बहुत ज्यादा होती है. इफ द टेम्परेचर इन द डे इज 50 डिग्रीज एंड इन द नाइट इट इज 5 डिग्रीज देन मैकेनिकल वेदरिंग विल ऑकर वेरी हाई इन अ वेरी हाई रेट. सेकेंड इज फ्रॉस्ट. ठीक है, फर्स्ट वाला तो टेम्परेचर था, सेकेंड क्या है? फ्रॉस्ट. ओके, यू नो दैट the volume of water increases when it freezes. In areas where the temperature drops below 0 degree Celsius for quite some time, the water accumulated in the cracks and crevices in the rock freezes. Its volume increases, this leads to tension in the rocks and they shatter. Okay? तुमको भी पता है कि जब पानी freeze होता है, when the water freezes, it expands. ठीक है? When the water freezes, it increases its volume. तो जब भी कोई रॉक के क्रैक वगैरह में पानी जमा हो जाता है तो वाटर जब वो टेम्परेचर गिरता है तो वाटर बिकम्स आइस एंड देन इट फ्रीजेस एंड देन इट क्रिएट्स टेंशन ऑन द रॉक. इट पुशेस द रॉक अपार्ट एंड इट ब्रेक्स द रॉक. समझ में आया? इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए फिगर 3.1 देख लो तुमने एक बार. ठीक है, तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा. सी फिगर 3.1 में ये दिया है पार्ट. ठीक है, हाउ इट ब्रेक्स. क्रिस्टल ग्रोथ. थर्ड इज क्रिस्टल ग्रोथ. ओके, थर्ड इज क्रिस्टल ग्रोथ. इन रॉकी कोस्ट्स वेव्स हिट द सी क्लिफ्स. द वाटर इन इज अल्कलाइन. सम वाटर ड्रॉपलेट्स हिट द क्रैक्स इन द रॉक्स. In this alkaline water, the soluble materials in the rock gets dissolved. This leads to formation of small holes in the rocks, and this is the effect of solution. Alkaline water gets stored in these holes. Because of heat, this water turns into water vapor, and only crystals of alkaline materials remain in the rock. Crystals occupy more space. This causes tension in the rocks. Holes are formed in the rocks. It leads to look like a
हनीकॉम्ब। एल्कलाइन क्रिस्टलाइजेशन तुम लोग को उसी के नीचे 3.3 में दिया हुआ है। हाउ एल्कलाइन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स, हाउ द रॉक्स स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ड्यू टू द होल्स क्रिएटेड ऑन देम। ठीक है, अभी होता क्या है यहाँ पर, ये सब जो पत्थर मैंने जाके आज जाकर मैंने बीच पे रख दिया, बीच पे रखने के बाद उस बीच का पानी उसको छू रहा है, टकरा रहा है, और पानी के वजह से उसमें छोटे पानी जब उसके क्रैक्स या होल्स वगैरह में कहीं पर भी जाके बैठ जाएगा तो पानी हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा, रह जाएगा क्या, सिर्फ उसका एल्कलाइन मटेरियल। एल्कलाइन मटेरियल मतलब क्या, सॉल्टी मटेरियल या जो भी मटेरियल सी में से आ रहे हैं वो। अब वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से वो रॉक में छेद कर जाते हैं एंड द रॉक लुक्स लाइक अ हनीकॉम्ब एज यू कैन सी इन फिगर 3.3। समझ में आ रहा है। रिलीज ऑफ प्रेशर, नेक्स्ट वन इज रिलीज ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट वन इज रिलीज ऑफ प्रेशर। इट इज नॉट दैट टेंशन इज क्रिएटेड इन द रॉक्स ओनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। द आउटर लेयर्स ऑफ द रॉक्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर और लोअर लेयर्स। व्हेन दिस प्रेशर सीजेस टू एग्जिस्ट द लोअर और इनर लेयर्स गेट फ्रीड फ्रॉम द प्रेशर, दिस ऑल्सो लीड्स टू वेदरिंग। ओके, जब बाहर का पत्थर या बड़ा पत्थर, बड़े पत्थर का वजन नीचे वाले पत्थर के नीचे वाले पार्ट पर एक्सर्ट होता है, दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट वी नोटिस दैट द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक स्टार्ट टू जनरेट क्रैक्स, और यू कैन से वो नीचे वाला पार्ट जो होता है रॉक का या बाहर वाला पार्ट जो होता है वो अंदर वाले रॉक को तोड़ना चालू कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड रिलीज ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर छूटता है तो वो रॉक टूट जाता है। सी इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ पर्सन, ठीक है, इफ समझो मैं कोई चीज को मैंने नीचे रख दिया, उसके ऊपर मैंने एक और चीज रखी, उसके ऊपर एक और चीज रखी, तो हो सकता है कि नीचे वाला जो पार्ट है, सबसे पहले जो चीज रखी थी मैंने, वो टूट जाए वजन की वजह से। वही चीज यहाँ पर भी होती है। समझ में आया। लास्ट इज वाटर। आई डोंट थिंक इट इज लास्ट, और भी होगा, ये पेज का लास्ट है वाटर। ठीक है, सम एरियाज एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल देन अदर्स, इन सच सोकिंग ऑफ रॉक्स, रॉक वाटर ऑल्सो कॉजेस वेदरिंग ऑफ दिस सम ऑफ सम रॉक्स लाइक सैंडस्टोन्स, कॉन्ग्लोमेरेट। दीज रॉक्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द एग्लोमिरेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। मड्स ऑल्सो मेक्स सैंड पार्टिकल्स कम टूगेदर व्हेन वाटर पेनिट्रेट्स सच रॉक्स, द पार्टिकल्स ऑफ गेट्स लूज एंड सेपरेट फ्रॉम द मेन रॉक्स, दिस इज कॉल्ड ग्रैनुलर वेदरिंग। जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब बारिश का पानी, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो बारिश का पानी सोख लेते हैं, जिसके वजह से उसमें मॉइस्चर जनरेट होता है, तो वो रॉक्स टूटना चालू होते हैं एंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, द रॉक्स स्टार्ट टू जनरेट, और यू कैन से इट स्टार्ट टू फॉर्म इटसेल्फ लाइक अ सैंड। ठीक है, और कुछ रॉक टूट के सैंड जैसे हो जाते हैं, कुछ रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं और टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एंड व्हेन यू सी इट लुक्स लाइक अ ग्रेन। ग्रेन मतलब क्या, खाने पीने का जो दाना वगैरह अनाज होता है ना, वैसा छोटे छोटे पार्ट्स में रॉक टूट जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ रेनफॉल और वाटर विच इज अब्सॉर्ब बाय द रॉक। सम रॉक्स, उसके पीछे नाम दिया है सैंडस्टोन वगैरह सब। समटाइम बोथ टेम्परेचर एंड वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। Difference in the temperature causes contraction and expansion, widening the joints of the cracks in the rock. जब temperature कम ज़्यादा होता है तो rock के बीच में crack generate हो जाता है expansion और contraction की वजह से, और जब वो crack होता है तो जब उसमें पानी जाता है तो पानी जाने के बाद पानी भी freeze हो जाता है contract होने के बाद। ठीक है, मतलब ठंडे temperature की वजह से। When the rock contracts and if there is water inside, water freezes and expands. रॉक पानी को पुश कर रहा है, पानी रॉक को पुश कर रहा है, ऐसे से करते करते रॉक ब्रेक्स, दो से चार, चार से आठ, ऐसे से करके फिर चूरा हो जाता है और मड बन जाता है। समझ में आया, क्लियर। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज केमिकल वेदरिंग। ओके, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट। मैकेनिकल वेदरिंग समझ में आया सबको? ओके, नहीं समझ में आया तो एक और बार ये पार्ट फिर से यहीं से देख लो, फिर से पीछे करके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज केमिकल वेदरिंग।
स्कूलों में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ग्लास लो और उसके अंदर थोड़े से चौक डालो, व्हाट डू यू सी ऑन द नेक्स्ट डे, टेल मी दैट। ठीक है, व्हाट डू यू सी ऑन द नेक्स्ट डे, यू नीड टू आंसर मी दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, देन दे हैव गिवन यू नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक नेल लो और उसको एक क्लॉथ या एक पेपर में रैप करके रख दो, जहां पर यू कैन से दैट के जहां पर मॉइस्चर कंटेंट होगा वहां पर, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, कमिंग टू ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल वेदरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है केमिकल वेदरिंग में, ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर कंटेंट का जो हवा में होती है। रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मिनरल्स, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मेनी थिंग्स गेट डिसॉल्व इजिली इन वाटर, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज द मैटर हैज डिसॉल्व इन वाटर, एंड दोज मटेरियल्स विच डू नॉट डिसॉल्व इजिली इन वाटर गेट्स डिसॉल्व इन सच सॉल्यूशंस। इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल केमिकल वेदरिंग ऑफर्स इन द फॉलोइंग वेज। नाउ वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वी ऑल नो दैट सब चीजें पानी में मिल जाती है, बट जब कुछ चीजें पानी में नहीं मिलती है तो वो चीजें कुछ और चीजों के साथ मिल जाती है। ठीक है, when certain objects which are not getting dissolved in water, it gets dissolved in certain other solutions, and those solutions are the result of mixture of water। समझ में आ रहा है, समझो A B के साथ मिक्स नहीं हो रहा है और B और C मिक्स हो गए, बट जब B और C मिक्स हुए तो B और C का जो कॉम्बिनेशन था वो A के साथ मिक्स हो रहा है। समझ में आ रहा है, इफ इट इज नॉट एट ऑल, see it is not at all confusing, but I know you people are getting confused because ऐसी सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं it is not at all clear that कि क्या बोल रहा है सर। जो चीजें पानी में मिक्स नहीं हो सकती है वो किसी और चीज के साथ मिक्स हो जाएगी जो पानी के साथ ऑलरेडी मिक्स हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केमिकल वेदर, सॉरी वी आर स्टडिंग व्हाट केमिकल वेदरिंग, यस केमिकल वेदरिंग बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, उसमें से पहला है कार्बोनेशन। क्या है कार्बोनेशन, रिजल्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग इज ड्यू टू कार्बोनेशन, द रेन वाटर ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर गेट्स मिक्स्ड इन द वाटर, इन दिस प्रोसेस डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड गेट्स फॉर्म, मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन गेट्स इजिली डिसॉल्व्ड इन सच एसिड्स, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कार्बोनिक एसिड, CO2 प्लस H2O वो क्या फॉर्म करता है H2CO3 विच इज नथिंग बट कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जब पानी और जब बारिश होती है तो बारिश बादल से जमीन तक पहुंचने तक बीच में हवा से ट्रैवल करके जब आती है तो बीच में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स रहते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2O दैट इज वाटर विच इज नथिंग बट रेन वाटर, When both are mixed, carbonic acid is formed. और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये limestone के साथ बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाती है, and that particularly results in carbonation, the formation of limestone. Or you can say that formation of limestone water, so liquid solution of limestone and carbonic acid. Solution. Second is solution. Okay, and third is oxidation. Solution, oxidation and carbonation. Carbonation we have done right now. Solution padhte. Some minerals in the rock gets dissolved in water. Limestone is formed due to the chemical precipitation between the water and alkalis at Wadgaon. Darya in Ahmednagar district, limestone gets precipitated chemically, that is it undergoes chemical weathering again. Similarly, because of solution, alkalis in the rock dissolve and makes them brittle. देखो, कुछ minerals rock में ऐसे होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं, कुछ minerals नहीं मिलते हैं. Limestone जो है वो chemical weathering के वजह से, जो हम लोग भी carbonation में पढ़ा उसके वजह से जब form हुआ था तो alkalis, water and alkalis form होता है इसके वजह से. Alkalis मतलब क्या? You can say that salt and water it gets formed. ठीक है, यहाँ पर उन लोग ने एक example दिया है place का जिसका नाम है वाडगांव दरिया अहमदनगर में. वहाँ पर तुम लोग देखोगे तो limestone जो है वो
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, एंड वो यू कैन से दैट इट लुक्स इट गेट्स ब्रिटल. व्हेन इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इट टर्न्स इनटू अ ब्रिटल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट टर्न्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एंड व्हेन इट टर्न्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इट बिकम्स ब्रिटल, ब्रेकेबल हो जाता है एंड वी कैन इजिली सी दैट पर्टिकुलर. ये एक केव में हम लोग को दिखेगी वहां पर, ठीक है, वाड़गांव दरिया लाइमस्टोन जो है वहां पर हम लोग को वो अहमदनगर में एक केव में दिखेगा. इफ यू गेट अ चांस यू कैन विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस. ज्यादातर बारिश के मौसम में जाओगे तो मिलेगा तुम लोग को ठंडे टाइम पे. थर्ड वी हैव इज ऑक्सीडेशन. द प्रोसेस ऑकर्स इन रॉक विच हैव आयरन प्रेजेंट इन देम. The iron in the rock comes in contact with water and chemical reaction takes place between iron and oxygen. Hence, a reddish color layer formed in the rocks. This is called rust. When you kept nails in the wet clothes, you must have noticed a similar thing. Similar process occurs in the rocks areas with higher rainfall. ठीक है? वो rocks जिनमें iron content ज़्यादा होता है, वो rocks जब moisture लगते हैं उनपे तो वो रेड कलर के हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज द आयरन गेट्स रस्टेड एंड व्हेन द आयरन गेट्स रस्टेड इट टर्न्स इनटू अ ब्राउन और डार्क रेड कलर. तो जो रॉक है उसका भी डार्क रेड कलर हो जाता है या ब्राउन कलर हो जाता है जस्ट बिकॉज द आयरन कंटेंट इन द रॉक टर्न्स टू बी रस्टेड. ठीक है, समझ में आया, क्लियर है. थर्ड प्रोसेस वी हैव इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. थर्ड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग कमेंट डाउन कर सकते हो कुछ भी. अगर तुमको डाउट रहेगा वी विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग द चैप्टर इज अबाउट टू एंड, इट विल एंड इन जस्ट मोर 10 मिनट्स. बिसाइड्स मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑल्सो आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स. हैव यू विजिटेड एनी फोल्ड? हैव यू सीन ट्रीज ग्रोइंग ऑन देयर minerals? You also must have seen pieces of rocks getting separated because of the roots of the trees. As the roots grow bigger, they create tension in the rocks and start breaking them. ठीक है, तुम लोग अगर देखोगे carefully, biological weathering is just because of the living organisms. It can be trees, it can be animals, it can be human beings, it can be anything. छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा animal, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पेड़, वो चीजों के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो जब तुम लोग कभी कोई फोर्ट में या कोई पुरानी बिल्डिंग में जाते हो तो देखते हो कि वहां पर बिल्डिंग में फोर्ट्स वगैरह पे ट्रीज उगे हैं एंड दैट पर्टिकुलर ट्री एंड इट्स रूट क्रिएट्स टेंशन ऑन द बिल्डिंग एंड इट ब्रेक्स द बिल्डिंग. ठीक है, तो ये चीजें टूटती है तो ये क्यों टूट रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल वेदरिंग. समझ में आ रहा है? एंट्स मेक लार्ज एंट हिल्स. रैट्स, माइस, रैबिट्स एंड अदर वॉर्म्स, ये सारे छोटे छोटे जानवर जो खड्डा करते हैं जमीन में, वो सब भी वेदरिंग कर रहे हैं, मड को लूज कर रहे हैं, रॉक्स को लूज कर रहे हैं. दिस पर्टिकुलर चीज, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें वेदरिंग एक्टिविटी को रिजल्ट कर रही है. समझ में आया? उसके अलावा एल्गे, मॉस, लीजेंड्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सब भी बायोलॉजिकल वेदरिंग करने के लिए हेल्पफुल है. नेक्स्ट टॉपिक भी है दिस मास मूवमेंट्स. मास मूवमेंट्स ओके, मास मूवमेंट्स. द वेदर्ड रॉक मटेरियल स्टार्ट मूविंग अलोंग द स्लोप्स ड्यू टू द ग्रेविटी एंड अक्यूमुलेट्स नियर द फुटहिल्स और द जेंटलर स्लोप्स. दिस प्रोसेस हैज बीन हैपेंड फॉर इयर्स. द वेदर्ड पार्टिकल्स फॉर्म अ कॉनिकल हीप and at the foothills when weathered particles move down to the gravity alone the process is called mass movement. जब किसी slope पे from a greater height बहुत सारा part of land या बहुत बड़े बड़े rocks नीचे आ जाते हैं that particular time we call that it as mass movement. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? mass movement. It is more rapid and speedy in steeper slopes, it is gentle and slow in gentler slopes. Rapid mass movements.
rapid mass movements. Rock falls, landslides, land subsidence occur rapidly. Their effects are very destructive. The probability of these events is more in the region having humid climates and steeper slopes. A thick layer of weathered material forms on the slopes. When it rains in such areas, the rainwater penetrates the weathered material and the weight increases. The weathered material moves very rapidly and comes down the slope. Example, the mudslide at Malin village of Pune district. Sometimes the weathered materials do not move downward but sink in situ where they are. That is called slumping. See figure 3.10. Such rapid movement, mass movements may occur because of earthquakes as well. Now, what happens here is, जब बारिश होती है तो rocks के बीच में crack generate जैसे होते हैं, वैसे ही बड़े बड़े rock mountains या mountains के ऊपर cracks होना चालू होते हैं. And when the water gets accumulated in those cracks, तो उस crack में पानी भरने के बाद वो crack जो है वो वजन बढ़ाता है माउंटेन का. पहले तो वहां पर कुछ नहीं था, अब पानी आ गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट द वॉटर पुशेस द रॉक डाउन इन अ डाउनवर्ड स्लोप. दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड और मडस्लाइड. इट पुट द लैंड फ्रॉम द सर्टन हाइट कम्स डाउन एट अ सर्टन स्लोप. कभी कभी क्या होता है, वो नीचे नहीं आता है, वहीं पर ही अंदर ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धस जाता है. एक लैंड अंदर ही धस जाता है, उसको बोलते हैं स्लंपिंग. स्लंपिंग का एक फोटो दिया है, देखो वहां पर लैंडस्लाइड्स का फोटो दिया है, रॉकफॉल का फोटो दिया है, सॉलिफ्लक्शन उसका भी फोटो दिया है. कमिंग टू स्लोअर मास मूवमेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक आई गेस, सेकेंड लास्ट टॉपिक. And the last topic is erosion. In areas with dry climate and gentler slopes, mass movements occur slowly. Soil creeps is a common phenomenon in such areas. In periglacial regions along the slopes, small layers of soil accumulate because of the mass movements of soil. This is called solifluction. ठीक है? ऐसे एरियाज जहां पर स्लोप जो है वो स्टीप नहीं है, जेंटल है, वहां पर सॉइल बहुत स्लोली स्लोली नीचे आती है और यू कैन सी दैट इट टेक्स अ ह्यूज लॉट ऑफ टाइम टू इरोड फ्रॉम सर्टेन हाइट. तो इसके वजह से क्या होता है, वहां पर स्लो मास मूवमेंट्स होते हैं और इट द सॉइल अक्यूमुलेट्स द सर्टेन स्लोप और उसके वजह से क्या होता है, सॉलिफ्लक्शन फॉर्म होता है. द स्लोप बिकम्स मोर जेंटल, पहले तो जेंटल ही थी और जेंटल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऊपर की मड फ्लो के थोड़ा थोड़ा नीचे आके सेटल हो जाती है. दिख रहा है तुम लोग को सॉलिफ्लक्शन में, देखो जेंटल स्लोप है एकदम. इट बिकम्स एन इमेज लाइक अ स्टेयर, ह्यूज स्टेयरकेस. लास्ट टॉपिक इज इरोजन व्हिच एवरीवन हैज स्टडीड टिल नाउ. Like weathering and mass movement, erosion is also an external process. Erosion occurs through the various agents, wind, running water, glaciers, seawater and groundwater cause erosion. Okay, we will study more landforms in the next chapter. Okay, now erosion जो है वो running water है, rain water, wind, ठीक है, ये सारी चीजों की वजह से, sea waters की वजह से, ground waters की वजह से, glaciers की वजह से होता है. And erosion is very destructive for the purpose of farming. Farmers की अगर जो soil है वो अगर erode होके चली जाती है तो they don't get the fertile soil again. Okay? So this was it with the chapter. It was quite a small chapter and quite easy. I hope people have understood this particular chapter. ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें पढ़ाने के लिए. ठीक है? नहीं समझा है तो comment करके पूछ सकते हो. WhatsApp group है उसमें पूछ सकते हो. अगर नहीं अच्छा लगा तो dislike कर सकते हो. नहीं समझा तो फिर से देख सकते हो. अच्छा लगा है तो लाइक करके चले जाओ और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ. चैनल सब्सक्राइब करने बोलो ज्यादा से ज्यादा लोगों को. नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो. एंड विद दैट सेड थैंक यू सो मच. दिस वाज वाचिस्टर साइनिंग आउट विद फ्रॉम योर ओन क्लासेस. बाय बाय.